स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। पाकिस्तान के क्रिकेटर पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने तीसरी शादी की है और सानिया मिर्जा से उनका तलाक हो चुका है। इसके बारे में बात करेंगे और तमाम जानकारी देंगे शोएब मलिक से जुड़ा हुआ और सानिया मिर्जा से तलाक क्यों हुआ और उनसे सबसे पहली पत्नी कौन थी, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक ने की तीसरी शादी। शोएब मलिक की तीसरी शादी पाकिस्तान एक्टर सना जावेद के साथ फोटो शेयर किया उन्होंने। 2010 में सानिया मिर्जा से हुई थी दूसरी शादी। पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली। 41 साल के शोएब ने 30 साल की पाकिस्तानी एक्टर सना जावेद से शादी की। शोएब ने शनिवार को सना के साथ फोटो शेयर की और इसकी जानकारी दी। आप फोटो में देख भी सकते हैं। शोएब ने पहली शादी आयशा सिद्दीकी से की थी जिससे तलाक के बाद उन्होंने 2010 में भारत की पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा से दूसरी शादी की। सानिया और शोएब के तलाक के बारे में अब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। सानिया मिर्जा ने लिखा था तलाक मुश्किल है। सानिया मिर्जा ने बुधवार को लिखा था कि तलाक मुश्किल है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी लगाकर इंग्लिश में लिखा था शादी मुश्किल है, तलाक मुश्किल है, अपने मुश्किल खुद चुने, जीवन आसान नहीं है, ये हमेशा मुश्किल ही रहेगा लेकिन हम मुश्किल को चुन सकते हैं, ध्यान से चुनें। तो सानिया मिर्जा की इस बातों से आपको साफ मतलब समझ सकते। सना जावेद ने इंस्टाग्राम पर अपना सरनेम बदला। सना जावेद ने अपने बायो में पति शोएब मलिक का नाम भी जोड़ लिया। इससे पहले अकाउंट पर सना जावेद लिखा हुआ था लेकिन अब उन्होंने अकाउंट में सना शोएब मलिक लिख लिया। इंस्टाग्राम पर उनकी आखिरी पोस्ट मलिक के साथ शादी की तस्वीर उन्होंने डाली है। सानिया ने 5 महीने डेटिंग के बाद शादी की थी। शोएब और सानिया की बात करें तो सानिया शोएब की पहली मुलाकात 2004-05 में भारत में हुई थी। दोनों की ज़्यादा बातचीत नहीं हुई लेकिन 2009-10 में ऑस्ट्रेलिया के शहर हॉबार्ट में फिर मिले। सानिया टेनिस खेलने के लिए और शोएब अपनी टीम के लिए क्रिकेट खेलने के लिए पहुंचे थे। इन समय पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया टूर पर थी और यहां दोनों की जान पहचान और दोस्ती में बदली और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। करीब 5 महीने तक एक दूसरे को जानने के बाद 2010 में सानिया और शोएब ने शादी कर लिया था। यह फैसला पूरे देश को एक तरीके से चौंका दिया था और हैदराबाद में 22 अप्रैल 2010 को सानिया और शोएब की शादी हुई थी जिसकी तस्वीर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। दोस्तों शादी के 8 साल बाद उनका एक बेटा भी था। आप बेटे की तस्वीर भी देख सकते हैं सानिया और शोएब के साथ। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की शादी 8 साल बाद 2008 में उनके बेटे ईजान का जन्म हुआ। सानिया ने अपने बेटे का जन्म के दौरान टेनिस से 1.5 साल का ब्रेक भी लिया था। सानिया अपनी आत्मकथा में इन सब बारों में बताते भी हैं। दोस्तों सानिया ने पिछले साल जनवरी में लिया था रिटायरमेंट। शोएब की दूसरी पत्नी सानिया पूर्व टेनिस खिलाड़ी है और भारत का उन्होंने काफ़ी नाम रोशन भी किया है और उनकी शादी एक तरीके से चली नहीं शोएब मलिक के साथ। आयशा सिद्दीकी दोस्तों सबसे पहली पत्नी जिसके बारे में सानिया मिर्जा ने कभी बताया कि मुझे पता नहीं था और यहीं से सानिया मिर्जा की शादी एक तरह से टूटने के कगार पर आई क्योंकि सानिया को बताया नहीं गया था उनकी पहली शादी के बारे में। जो आयशा सिद्दीकी देख सकते हैं शोएब मलिक के साथ, ये बहुत पुराना तस्वीर है। आयशा सिद्दीकी से हुई थी शोएब की पहली शादी। मलिक ने तीसरी शादी के बाद उनकी पहली शादी 2002 में भारत के ही हैदराबाद की मॉडल आयशा सिद्दीकी से 2010 में तलाक लेने के बाद शोएब ने सानिया मिर्जा से दूसरा निकाह किया। दोनों का रिलेशन 14 साल चला और उसमें पाकिस्तानी एक्टर सना जावेद ने से उन्होंने तीसरी शादी की। दोस्तों ये सानिया मिर्जा ने एक बार अपने इंटरव्यू में बता भी चुकी कि उन्हें शोएब मलिक की पहली शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जब उन्हें जानकारी मिली तो यहीं से उनकी शादी एक तरीके से बिखरती हुई नजर आई। तो दोस्तों अब शोएब मलिक ने तीसरी शादी की है, उनको शादी की बधाई हो और उनका जीवन आगे अच्छा चले। और सानिया मिर्जा की बात करें तो सानिया मिर्जा अब रिटायरमेंट ले चुकी है अपने टेनिस से और वह अपने सोशल वर्क में लगी हुई। दोस्तों आपको मेरा रिपोर्ट कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली तक, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।